स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यूस बीम को स्टार्ट कर दिया था और कंटिन्यूस बीम का जो हमने एनालिसिस किया था वो थ्री मोमेंट थ्योरम के थ्रू किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस बीम होती क्या है और कंटिन्यूस बीम का जब आप एनालिसिस करोगे थ्री मोमेंट थ्योरम से, तो मैंने आपको थ्री मोमेंट थ्योरम को भी ड्राइव करके कल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और फाइनली एक इक्वेशन कल निकल के आई थी थ्री मोमेंट थ्योरम की, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वो इक्वेशन थी, अगर आप किसी भी ए बी और बी सी मेम्बर के लिए उस इक्वेशन को लिखते हो, ठीक है, तो और फॉर एग्जांपल ये कोई हमारी बीम है और ए बी और सी, तो इसके लिए थ्री मोमेंट थ्योरम जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, एम ए इंटू एल वन प्लस टू एम बी L1 वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए वन एक्स वन अपॉन एल वन माइनस सिक्स ए टू एक्स टू अपॉन एल टू, ठीक है। एक्सटर्नल लोडिंग को, एक्सटर्नल डिफ्लेशन को हमने जीरो मान लिया। तो ये वाली इक्वेशन कल हमने ड्राइव कर ली थी और ड्राइव करने के बाद इसकी हमने एक प्रॉब्लम को भी सोल्व किया था और मैंने आपको बताया था जब भी कंटिन्यूस बीम का एनालिसिस कराएगा तो बेस्ट तरीका थ्री मोमेंट थ्योरम ही होता है। और तरीका ये होता है कि पहले स्टेप में आप सिंपली मोमेंट निकाल लो उसका, नेक्स्ट टू स्टेप के अंदर उसका एंड मोमेंट निकाल लो, फिर उसका बी एम डी ऑटोमेटिक बन जाएगा। सिंपली मोमेंट को एंड मोमेंट में सुपर इम्पोज कर देंगे, कॉमन पार्ट कैंसिल्ड हो जाएगा और रिजल्टेंट बी एम डी हमारा बन के रेडी हो जाएगा। देन शेयर फोर्स निकालने के लिए स्टेप नंबर थर्ड के अंदर हम रिएक्शंस निकालते हैं और स्टेप नंबर फोर के अंदर उसका शेयर फोर्स डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यूस बीम की सेकंड प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ दो ही स्पान थे, आज हम थ्री स्पान वाली कंटिन्यूस बीम को रिजोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ हमारी इस तरह से है, ए कंटिन्यूस बीम ए बी सी डी कवर थ्री स्पान, ए बी इक्वल टू 1.5 एल, बी सी इक्वल टू 3L एंड सी डी इक्वल टू L। आपको बोला है एक कंटिन्यूस बीम है ए बी सी डी और ए बी स्पान की लेंथ जो है हमारी वो 1.5L है, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। बी सी की जो लेंथ है वो हमारी 3L है एंड सी डी की जो लेंथ है वो है L, ठीक है। इट इज़ कैरी ए यू डी एल, इस पर यू डी एल लगा हुआ है 2 मीटर, ए बी स्पान के अंदर लग रहा है 2 मीटर। ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। इट इज़ कैरीज ए यू डी एल 2W एंड 3W पर मीटर रन ऑन ए बी बी सी एंड सी डी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यू डी एल यहाँ पर एक्ट हो रहा है। इफ़ द गर्डर इज़ ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल थ्रू आउट, इसका क्रॉस सेक्शनल सेम है, मतलब ई आई की वैल्यू सेम है। फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट बी एंड सी, हमें B और C पर जो है बेंडिंग मोमेंट का मतलब यहाँ एंड मोमेंट निकालना है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम, तो हमें इस डायग्राम के अंदर फाइनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना है कंटिन्यूस बीम के लिए। और कंटिन्यूस बीम का एनालिसिस किस मेथड के थ्रू इजी पड़ता है, थ्री मोमेंट थ्योरम के थ्रू इजी पड़ता है। तो इसका हम एनालिसिस किससे करेंगे, थ्री मोमेंट थ्योरम के थ्रू ही करेंगे। तो तरीका वही रहेगा जिसे मैंने आपको कल बताया था, जब भी एग्जाम के अंदर थ्री मोमेंट थ्योरम की प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट पेज आप डायग्राम के लिए ब्लैंक छोड़ देना और नेक्स्ट स्टेप से आप इसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट पेज जो हमने डायग्राम के लिए ब्लैंक छोड़ा तो वहाँ पर हमने पहले रफली आइडिया लगा लिया कि ये जो हमें बीम दे रखी है, इस बीम का अगर हम म्यू डायग्राम बनाए, इस बीम का अगर हम सिंपली मोमेंट डायग्राम बनाए, तो तीनों यूडीएल की फॉर्म, तीनों UDL की फॉर्म में, तो तीनों के डायग्राम कैसे बनेंगे, पैराबोला फॉर्म में बनेंगे। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर बात की, अगर इसका हम एंड मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो सिंपली कंटिन्यूस बीम में तो एंड्स पर मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो मोमेंट कहाँ पर आएगा, मोमेंट जो आएगा हमारा B और C पर आएगा। तो इसकी एंड मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो जनरली ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में बनेगी। तो स्टेप नंबर वन के अंदर हम इसका सिंपली मोमेंट निकालेंगे, स्टेप नंबर टू के अंदर इसका हम एंड मोमेंट निकालेंगे। जब ये दोनों मोमेंट निकल के आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, सिंपली मोमेंट मतलब म्यू डायग्राम को म्यू डैश डायग्राम में सुपर इम्पोज कर देंगे। और जैसे ही आप सुपर इम्पोज करोगे तो कॉमन पार्ट जो होगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या बनेगा, बी एम डी, ठीक है। तो इतना पहले हम कर लेते हैं।
तो पहली स्टेप में हमने क्या निकाला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर बीम ए बी बी सी एंड सी डी। अगर हम ए बी बीम की बात करते हैं तो जो हमें डायग्राम में ए बी बीम दे रखी थी उस ए बी बीम के अंदर जो यू डी एल था हमारा वो कितना था 2W और लेंथ कितनी थी 1.5L। तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालोगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो W की वैल्यू हो गई 2W, L की वैल्यू हो गई 1.5, तो फाइनली इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.5625 WL2। सिमिलरली अगर हम BC बीम के लिए बात करें तो BC बीम पर जो लोड लगा हुआ था हमारा वो कितना एक्ट था हमारा W, और इसकी जो लेंथ थी वो थी हमारी 3L। तो ये हो जाएगा WL2/8, W का W, L की वैल्यू 3L थी, तो फाइनली BC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आई है कितना 1.125 WL2। सिमिलरली CD के लिए हम निकाल लेंगे और CD का हमारा आ जाएगा 0.375 WL2। तो ये तो हमने सिंपली मोमेंट निकाल लिया। अब हमें निकालना है एंड मोमेंट डायग्राम, एंड अब हमें म्यू डैश डायग्राम बनाना है, और म्यू डैश डायग्राम किससे बनाते हैं, एंड मोमेंट से। अब उसी बीम के लिए हम एंड मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बीम हमारी कुछ इस तरह से थी, ए बी सी डी, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया। तो देखो सिंपली मोमेंट बीम है, सब पे यूडीएल लगा हुआ है, तो यहाँ तो एंड्स पर मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें मोमेंट कहाँ फाइंड करना है, बी और सी पर हमें मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मतलब दो अननोन हमें निकालने हैं, तो थ्री मोमेंट थ्योरम भी हम कितनी बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे। एक बार लगा देंगे ए बी और बी सी स्पन के लिए, और दूसरी बार लगा देंगे बी सी एंड सी डी स्पन के लिए। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, अप्लाइड द थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर ए बी एंड बी सी स्पन। तो ए बी और बी सी स्पन के लिए हम थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और बी सी स्पन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए किसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए ए बी स्पान की अगर हम बात करें तो ए बी स्पान के लिए यहाँ पर एक यू डी एल है और यहाँ पर भी एक यू डी एल है, और इसकी लेंथ जो है ये 1.5L है और इसकी जो लेंथ है वो 3L है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एम ए इंटू एल वन, तो एम ए इंटू एल वन, एल वन की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.5L प्लस 2MB प्लस 2MB एल वन प्लस एल टू, तो एल वन की वैल्यू हो गई 1.5 और L2 की वैल्यू हो गई 3L, ठीक है, प्लस MC L2 हमारा कितना हो गया 3, इज इक्वल टू था हमारा WL3/4, है ना, सॉरी इक्वल टू था हमारा माइनस 6A1X1/L1 माइनस 6A2X2/L2। और मैंने आपको बताया था UDL के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 6A1X1/L1 की वैल्यू जो होती है UDL के लिए WL3/4। तो इसके लिए भी हमने WL3/4 ले लिया और इसके लिए भी हमने WL3/4 ले लिया, ठीक है। एक लेफ्ट साइड से लेते हैं और एक राइट साइड से लेते हैं, तो AB के लिए हो गया WL3/4 और BC के लिए भी हो गया WL3/4, है ना। और AB के लिए W की वैल्यू जो थी वो 2W थी, है ना, L की वैल्यू 1.5 थी अपॉन 4, और BC के लिए W की जो वैल्यू थी वो W थी और L की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी 3L थी, ठीक है। तो हमने सिंपली किया, अप्लाइड द थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर ए बी और बी सी स्पान, उसमें हमने थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई किया और एम ए की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इसको तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी, एम बी प्लस 0.33 MC इज इक्वल टू माइनस 0.9375 WL2। इसी तरह से सिमिलरली अप्लाइड द थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर बी सी एंड सी डी हम अप्लाई कर देंगे, मतलब अब की बार जो हम अप्लाई करेंगे वो बी सी और डी के लिए अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी यू डी एल है और यहाँ पर भी यू डी एल है, और इसकी लेंथ हमारे पास 3L है और इसकी लेंथ हमारे पास L है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा एम बी इंटू 3L, फिर हो जाएगा 2MC इक्वल टू 2MC इंटू 3L प्लस L, फिर हो जाएगा MD इंटू L इक्वल टू था हमारा वही 6A1X1/L1 6A2X2/L2। एक बार इसके लिए ले लेंगे और एक बार इसके लिए ले लेंगे, और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दोगे
तो इक्वेशन बन के आएगी एम बी प्लस 2.667 एम सी इज इक्वल टू माइनस 2.5 डब्ल्यू एल स्क्वायर। दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एम बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस 0.7143 डब्ल्यू एल स्क्वायर। सिमिलरली एम सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी माइनस 0.6696 डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 1 की जो वैल्यू आई थी वो ये हो गई सिंपली मोमेंट का मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट, और स्टेप नंबर 2 के अंदर जो हमने एंड मोमेंट की वैल्यू निकाली ए और डी पर तो 0 थी और बी और सी पर ये निकल के आ गई। फिर इस डायग्राम को हम इस डायग्राम में सुपर इम्पोज कर देंगे तो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट बी एम डी। अब इसका हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले रिएक्शंस निकालनी होगी। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम निकालेंगे रिएक्शंस, ठीक है, फाइंड द रिएक्शन आर ए आर बी एंड आर सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर ए की रिएक्शन। तो आर ए की रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारी सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम थी, उसका हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया यहाँ पर ए बी वाला, ठीक है ना, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इसकी लेंथ थी हमारी 1.5 और इस पे जो लोड लग रहा था हमारा वो कितना लग रहा था 2W। आगे एक बीम कंटिन्यूसली जा रही है, ठीक है। तो टू फाइंड आर ए टैकिंग मोमेंट अबाउट बी, आर ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस बी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले लिया, ठीक है, इस बी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले लिया। तो इस बी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लोगे तो क्या होगा हमारा आर ए इंटू ये डिस्टेंस, तो आर ए इंटू 1.5L, फिर ऊपर से जो लोडिंग आ रही है वो हो जाएगी माइनस लोडिंग आ रही है 2W, तो हो जाएगा 2W। कितनी लेंथ पे लग रहा है 1.5, तो 1.5L, फिर लेंथ का हाफ कर देंगे 1.5L बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एम बी। ए के अबाउट आर ए की वैल्यू निकालनी है बी के अबाउट, तो हम कर देंगे आर ए इंटू लेंथ माइनस लोड इंटू डिस्टेंस का हाफ इज इक्वल टू एम बी। अब यहाँ पर एम बी की वैल्यू जीरो नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम में दूसरे एंड्स की वैल्यू जीरो होती है, बट ये कंटिन्यूस बीम है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट आ रहा है और वो एम बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और वो कितना मोमेंट आ रहा है, तो एम बी की जगह हम लिख देंगे माइनस 0.7143 डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आर ए इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 1.0238 डब्ल्यू एल, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने बी के अबाउट मूवमेंट लिया, तो आर ए की वैल्यू सिंपली निकल गई। अब हम निकालते हैं आर बी की वैल्यू। अगर आपको आर बी की वैल्यू निकालनी है तो आर बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और आर बी की वैल्यू निकालने के लिए ये आर ए हो गया और ये आर बी हो गया, है ना, और ये आर सी। तो आर बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने सी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले लिया। तो जैसे ही आप सी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लोगे तो देखो क्या होगा, हमें इस सी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेना है, तो हमारा हो जाएगा आर ए इंटू ये डिस्टेंस, तो हमने कर दिया आर ए इंटू 4.5L। फिर हमने कर दिया आर बी इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गई आर बी इंटू 3L। फिर हमने ऊपर वाली लोडिंग ले ली, ऊपर वाली ये वाली लोडिंग जो थी हमारी वो थी 2W, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2W मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस जो कि हो गई 1.5, फिर हम करेंगे डिस्टेंस का हाफ, तो 1.5 का हाफ क्या हो जाएगा 1.5 बाय 2। लेकिन ये मोमेंट हमें सी के अबाउट लेना है, तो बाकी जो डिस्टेंस बची उसको भी हम इसमें एड ऑन कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2W इंटू 1.5L, ये तो हो गया लोड, और डिस्टेंस लेनी है तो इसकी तो हमने ले ली हाफ, और बाकी जो बची वो हो गई प्लस 3L। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा एक लोड था W, तो W इसकी डिस्टेंस थी 3L, और 3L का यहाँ पर हमने हाफ कर लिया, और इक्वल टू हमारा क्या था MC, और MC की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट अप कर दी। तो RB की वैल्यू निकालनी है तो C के अबाउट हमने मोमेंट लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास RB की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3.491 WL। तो RA की वैल्यू निकाली B के अबाउट मोमेंट लेकर, आर बी की वैल्यू निकाली सी के अबाउट मोमेंट लेकर,
ठीक है, अब हम आरडी की वैल्यू निकालते हैं, और आरडी की वैल्यू हम निकालते हैं सी के अबाउट मोमेंट लेकर। मतलब ये जो बीम थी ना हमारी ए बी सी और डी, तो अब मैं यहाँ पर इस आरडी की वैल्यू निकाल रहा हूँ इस सी के अबाउट मोमेंट लेकर। टू फाइंड आरडी टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए, तो हमारा हो जाएगा आरडी इंटू ये डिस्टेंस, फिर लोड ले लेंगे, लोड हमारा आ रहा है कितना आ रहा है लोड 3W, तो हम कर देंगे 3W इंटू एल इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी, और एम सी की वैल्यू यहाँ हम पुट अप कर देंगे और फाइनली हमारे पास आर डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड जो हमारी बीम थी कंटिन्यूस, उसमें हमने आर ए की वैल्यू निकाल ली बी के अबाउट मोमेंट लेकर, आर बी की वैल्यू निकाल ली सी के अबाउट मोमेंट लेकर, आर डी की वैल्यू निकाल ली सी के अबाउट मोमेंट लेकर, अब बचा क्या आर सी। तो टोटल लोडिंग में से अगर हम आर ए आर बी और आर डी को माइनस कर देंगे तो हमारा आर सी आएगा नहीं आएगा, तो यही चीज़ हमने करी आर सी को निकालने के लिए, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू टोटल लोडिंग जो भी ऊपर से लोडिंग आ रही है, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारे पास आर सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने रिएक्शंस फोर्स निकाल लिए, और जैसे ही हमारे रिएक्शंस फोर्स निकल के आएंगे तो हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए शेयर फोर्स डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, मैं एक बार फिर इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी बीम थी ए बी सी डी, ठीक है, और इस पर भी एक यूडीएल एक्ट हो रहा था, इस पर भी एक यूडीएल एक्ट हो रहा था, और इस पर भी एक यूडीएल एक्ट हो रहा था, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो हमारा यूडीएल एक्ट हो रहा था वो एक्ट हो रहा था 2W, सेकंड वाले पार्ट के अंदर जो हमारा यूडीएल एक्ट हो रहा था वो एक्ट हो रहा था हमारा W, ठीक है, सॉरी एक बार फिर बना देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इस तीनों पार्टों में यूडीएल एक्ट हो रहा है, इसमें तो 3W एक्ट हो रहा है, 3W एक्ट हो रहा है, इसमें हमारा W एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो शेयर फोर्स ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। शेयर फोर्स एट ए निकालोगे, आपको साइन कन्वेंशन तो पता ही होंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट ए मतलब SFA, SFA का मतलब ए पॉइंट पर कितना फोर्स आ रहा है, तो इसका जो भी रिएक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा ए पॉइंट का शेयर फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी का मतलब इस पॉइंट पर कितना फोर्स आ रहा है इस पॉइंट तक। अब इसमें क्या करेंगे हम, दो चीज़ देखेंगे, जब भी किसी पॉइंट पर दो लोड एक साथ आते हैं, एक UDL और एक पॉइंट लोड, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले UDL की वजह से शेयर फोर्स लेते हैं, फिर UDL में पॉइंट लोड को ऐड करके शेयर फोर्स लेते हैं। तो UDL की वजह से जो शेयर फोर्स लेते हैं उसको तो हम बोलते हैं शेयर फोर्स ऑफ लेफ्ट ऑफ सेक्शन, और जब UDL में उस पॉइंट लोड को ऐड कर देते हैं तो जो शेयर फोर्स निकलता है उसको बोलते हैं शेयर फोर्स ऑफ राइट ऑफ सेक्शन। तो पहली स्टेप हम शेयर फोर्स निकाल रहे थे, तो शेयर फोर्स एट ए का मतलब हो गया ए पॉइंट पर कितना फोर्स आ रहा है। अब शेयर फोर्स एट बी जब हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे लेफ्ट ऑफ सेक्शन, लेफ्ट ऑफ सेक्शन का मतलब हो गया इस बी पॉइंट पे इस यूडीएल की वजह से कितना शेयर फोर्स बी पर आ रहा है, तो ठीक है। तो देखिए लेफ्ट ऑफ सेक्शन में क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा ये हमारा आर ए, और इसमें हम माइनस कर देंगे इस यूडीएल को, तो आर ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और यूडीएल वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हमारा 2W था, ठीक है, तो हो जाएगी 2W मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो बी पॉइंट पर शेयर फोर्स जो आ गया लेफ्ट ऑफ सेक्शन वो आ जाएगा माइनस 1.9762 डब्ल्यू एल, और जैसे ही इसमें आप इस वाले फोर्स को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा शेयर फोर्स ऑफ बी, शेयर फोर्स एट बी राइट ऑफ सेक्शन। तो जैसे ही लेफ्ट ऑफ सेक्शन वाले शेयर फोर्स के अंदर हम इस पॉइंट लोड को ऐड करेंगे तो ये बी का शेयर फोर्स आ जाएगा,
ठीक है। इसी तरह से हम सी पर भी यही चीज करेंगे, शेयर फोर्स एट सी जब आप निकालोगे तो आप एक बार लोगे लेफ्ट ऑफ सेक्शन, लेफ्ट ऑफ सेक्शन में आप क्या करोगे यूडीएल तक ले लोगे, आप कहाँ तक ले लोगे यूडीएल तक, और राइट ऑफ सेक्शन में आप क्या करोगे जो यूडीएल तक का शेयर फोर्स आया था उसमें इस रिएक्शन को ऐड कर देना। देखो यहाँ पर मैंने किया भी है, शेयर फोर्स ऑफ लेफ्ट ऑफ सेक्शन, ठीक है मैं फिर बना देता हूँ, ए बी सी एंड डी। तो शेयर फोर्स एट सी जब हमने निकाला तो हम लेंगे लेफ्ट ऑफ सेक्शन, तो लेफ्ट ऑफ सेक्शन में हम कहाँ तक लेंगे सिर्फ यूडीएल तक लेंगे। तो देखिए बी तक तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके, बी तक हमारा शेयर फोर्स कितना आ गया था 1.5949 WL। अब इसमें हमें सिर्फ ये UDL ऐड करना है, इसका इसका UDL था W, कितने डिस्टेंस पर लग रहा था 3L, तो हमने कर दिया माइनस W इंटू 3L, तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स एट C लेफ्ट ऑफ सेक्शन, ठीक है। अब इस C पॉइंट तक UDL की वजह से जो शेयर फोर्स आया उसमें अगर आप इस वाले फोर्स को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा शेयर फोर्स एट सी राइट ऑफ सेक्शन। तो ये जो हमारा फोर्स निकल के आया था इसमें हमने इस पॉइंट लोड को ऐड कर दिया तो ये राइट ऑफ सेक्शन का शेयर फोर्स हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट ऑफ सेक्शन, तो शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट ऑफ सेक्शन जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.8304, ठीक है। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आई उससे हम इसका डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले शेयर फोर्स 8 ए हमारा आया था 1.2032, देखो मैं बना ही देता हूँ यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। देखो ए पर हमारा शेयर फोर्स आया था 1.2038, तो ये पर शेयर फोर्स हो गया हमारा 1 पॉइंट जो भी है, ठीक है। फिर देखिए बी पर हमारा जो शेयर फोर्स आया था लेफ्ट ऑफ सेक्शन पे वो आया था माइनस के अंदर, तो इसका हमारा शेयर फोर्स हो गया माइनस के अंदर, ठीक है। उसी बी पॉइंट पर फिर पॉजिटिव में आया तो ये हो गया फिर पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। फिर सी पर हमारा शेयर फोर्स नेगेटिव आया तो ये हो गया नेगेटिव, फिर उसी सी पॉइंट पर वो शेयर फोर्स हमारा पॉजिटिव हो गया तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, फिर उसी डी पॉइंट पर हमारा आया शेयर फोर्स एट डी ठीक है, फिर हमारा डी पॉइंट पर शेयर फोर्स जो आया था वो कितना आया था 0.83, एक सेकेंड माइनस का 0.83 होगा ये, सॉरी ये जो शेयर फोर्स आएगा लास्ट में माइनस का 0.83। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ए पॉइंट पर शेयर फोर्स आया 1.2 तो ए पॉइंट का शेयर फोर्स हो गया 1.2, और बी पॉइंट पर लेफ्ट ऑफ सेक्शन पर शेयर फोर्स आया 1.9 ठीक है, और उसी बी पॉइंट पर पॉजिटिव वे में आ गया, ठीक है। सी पॉइंट पर आया, सी पॉइंट पर शेयर फोर्स आया माइनस के अंदर तो ये माइनस में हो गया, और उसी सी पॉइंट पर पॉजिटिव में आ गया तो ये पॉजिटिव शो कर दिया, फिर डी पॉइंट पर नेगेटिव आ गया और फिर ये इस तरह से बन गया ए बी सी एंड डी। तो इस तरह से हमने रिएक्शन जो हमारी आई उससे हमने शेयर फोर्स को ड्रॉ कर लिया। तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा था, सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीज़ पूछी थी, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करवाया था और एक शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कराया था। तो हमने कुछ भी नहीं करा, पहले पेज को ब्लैंक रखा, फर्स्ट स्टेप के अंदर सिंपली मोमेंट निकाला उससे हमने सिंपली मोमेंट डायग्राम बनाया, सेकेंड स्टेप में हमने एंड मोमेंट निकाला उससे हमने एंड मोमेंट डायग्राम को बनाया, सिंपली मोमेंट को एंड मोमेंट डायग्राम में सुपर इम्पोज कर दिया, कॉमन पार्ट कैंसिल और रिजल्टेंट BMD। थर्ड स्टेप के अंदर हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमने रिएक्शंस फोर्स निकाले, और फोर्थ स्टेप के अंदर शेयर फोर्स एवरी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लिया, और उसकी हेल्प से हमने फोर्थ स्टेप में शेयर फोर्स डायग्राम को क्रिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ए बीम ABCD 16 मीटर लॉन्ग कंटिन्यूस ओवर द स्पान AB इक्वल टू 6 मीटर, BC इक्वल टू 5 मीटर एंड CD इक्वल टू 5 मीटर, द सपोर्ट्स आर एट द सेम लेवल, ठीक है। देयर इज ए UDL 20 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द BC, ठीक है। आपको बोला है एक कंटिन्यूस बीम है AB,
तो आपको बोला है एक कंटिन्यूस बीम है ए बी, तो ए बी हमने ये कंटिन्यूस बीम को बना लिया ए बी सी डी, ठीक है। उसके आगे बोला कि इसका जो टोटल स्पान है वो 16 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये भी हमने बात मान ली। उसके बाद इसने बोला जो ए बी हमारा स्पान है उसका जो स्पान हमें दे रखा है वो 6 मीटर का दे रखा है, कितना दे रखा है 6 मीटर। बी सी का जो स्पान है वो हमें 5 मीटर का दे रखा है, और सी डी का जो स्पान है वो भी हमें 5 मीटर का दे रखा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके आगे इसने बोला है सपोर्ट सेम लेवल पर है और देर इज़ ए यू डी एल 20 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द बी सी। ये जो हमारा बी सी स्पान है ना, इस पर हमारा यू डी एल लग रहा है, कितने का लग रहा है 20 का, 20 किलोन्यूटन पर मीटर का। आगे उसने बोला ऑन ए बी बीम देर इज़ ए पॉइंट लोड, ए बी बीम एक पॉइंट लोड रखती है, कितने का रखती है ऑफ 80 किलोन्यूटन, और कहाँ लग रहा है एट 2 मीटर फ्रॉम द ए, मतलब ए एंड से 2 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर 20 किलोन्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसने बोला ऑन सी डी देर इज़ ए पॉइंट लोड ऑफ 60 किलोन्यूटन, और जो हमारा सी डी है उस पर ये 80 आएगा, ठीक है ना, पॉइंट लोड जो है ए बी पर 80 लग रहा है, तो यहाँ पर आएगा 80, ठीक है। और सी डी पर जो हमारा पॉइंट लोड लग रहा है वो लग रहा है 60 का, कहाँ पर लग रहा है 3 मीटर पर लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है 3 मीटर पर डी से, और सी डी पर डी पॉइंट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर 60 का लोड एक्ट हो रहा है। मतलब एक कंटिन्यूस बीम ए बी सी डी है जिसका 6 मीटर 5 मीटर 5 मीटर स्पान है, ए बी पर 80 का लोड लग रहा है, बी सी पर 20 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, और सी डी पर जो है हमारा राइट साइड से 3 मीटर के डिस्टेंस पर 60 किलोन्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसने आगे बोला क्या है, इसने आगे बोला है हमें इसके लिए क्या ड्रॉ करना है, कैलकुलेट द मोमेंट एंड रिएक्शन एट द सपोर्ट। तो फाइनली यहाँ पर हमें एक तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है और एक रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। रिएक्शंस अगर फाइंड आउट हो जाएगी तो शेयर फोर्स भी डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इसमें बीएमडी और एसएफडी को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, सेम टू सेम वैसे ही आप पहले डायग्राम बनाओगे और फर्स्ट पेज को आप ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि जितने भी डायग्राम्स बनेंगे उसको हम एक साथ लास्ट में ड्रॉ कर लेंगे फर्स्ट पेज पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम बनाएंगे म्यू डायग्राम, और म्यू डायग्राम को हम कौन सी स्टेप में क्रिएट करेंगे, स्टेप नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा इसका, सिंपली मोमेंट डायग्राम, और सिंपली मोमेंट डायग्राम को हम क्रिएट करेंगे स्टेप नंबर 1 के अंदर। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी बी सी एंड सी डी फॉर द म्यू डायग्राम। तो म्यू डायग्राम के लिए हम ए बी बी सी और सी डी के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर हम यहाँ पर ए बी बीम की बात करते हैं तो आपको पता होगा ये जो हमारी ए बी बीम थी उसमें हमारा लोड जो लग रहा था 80 किलोन्यूटन का लग रहा था, 2 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहा था। तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल, क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो ये हमारा 4 है, तो हमारा हो जाएगा 80 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 6। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा हमारा ए बी स्पान के लिए, ठीक है। इसी तरह से बी सी की अगर हम बात करें तो बी सी पर हमारा यू डी एल एक्ट हो रहा था, तो बी सी के लिए जब आप निकालोगे तो बी सी के लिए हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो ये हो जाएगा, डब्ल्यू है हमारा 20 और लेंथ है हमारे पास 5, तो इसका हो जाएगा 20 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 8, तो हमारा आ जाएगा 62.5। इसी तरह से हम सी डी के लिए निकाल लेंगे, सी डी पे जो लोड था हमारा, सी डी पे जो हमारा लोड था वो 60 का था और ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा एक्ट हो रहा था, तो हमारा हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 5। तो सी डी का सिंपली मोमेंट आ जाएगा, जैसे ही ए बी बी सी और सी डी का सिंपली मोमेंट हमारा आ जाएगा वैसे इसका हम म्यू डायग्राम क्रिएट कर देंगे। जो ए बी पर वैल्यू आई वो ए बी पे शो कर देंगे, बी सी के लिए जो बेंडिंग मोमेंट आया वो बी सी पे शो कर देंगे, और सी डी पे जो बेंडिंग मोमेंट आया वो सी डी पे शो कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के अंदर इस बीम के लिए सिंपली मोमेंट डायग्राम क्रिएट करेंगे, और उसको हम बोलते हैं म्यू डायग्राम।
अब स्टेप नंबर टू के अंदर हम इसका एंड मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, और एंड मोमेंट डायग्राम में आपको पता ही है एंड्स पर तो मोमेंट की वैल्यू हमारी जीरो होगी, तो हमें अल्टीमेटली बी और सी पर एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है, उससे हमारा एंड मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। तो एंड मोमेंट डायग्राम हम किस तरह से निकालेंगे, अगर इसको हम एरिया मोमेंट मेथड से करते तो मोर थ्योरम से निकालते, बट अभी हम कंटिन्यूस बीम को किस मेथड से कर रहे हैं, थ्री मोमेंट मेथड से कर रहे हैं। तो एंड मोमेंट को हम किस से निकालेंगे, थ्री मोमेंट थ्योरम से निकालेंगे। तो स्टेप नंबर टू के अंदर हम यहाँ मेंशन कर देंगे, कैलकुलेट द एमए एमबी एमसी एंड एमडी यूजिंग द थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर द म्यू डैश डायग्राम। तब आपको ये चीज़ तो पता है एमए और एमडी की वैल्यू जीरो है, तो एमबी और एमसी की वैल्यू निकालनी है, मतलब दो अननोन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो दो अननोन के लिए हमें दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एक बार तो आप थ्री मोमेंट थ्योरम लगाएंगे हम किसके लिए, ए बी और बी सी के लिए, और फिर लगाएंगे हम थ्री मोमेंट थ्योरम बी सी और सी डी के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करा अप्लाइड द थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर ए बी और बी सी, तो ये हो गई हमारी ए बी और ये हो गई हमारी बी सी, ठीक है। और इसकी लेंथ आपको पता ही है 6 मीटर है, इसकी लेंथ आपको पता है 5 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बोलेंगे एम ए इंटू एल वन, एम ए की वैल्यू एम ए और एल वन हमारा हो गया 6, एम ए क्या हो गया हमारा 6। फिर हम करेंगे टू एम बी एल वन प्लस एल टू, एल वन हो जाएगा 6 और एल टू हो जाएगा 5। फिर करेंगे एम सी इंटू एल टू, तो एल टू की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू एम सी। इजक्वल टू हमारा क्या होता था, इजक्वल टू हमारा होता था 6a1x1 अपॉन l1 प्लस 6a2x2 अपॉन l2। तो इसके लिए 6a1x1 अपॉन l1 क्या होगा, तो उसके लिए देखिए हमारा लोड जो लग रहा था वो 80 का लग रहा था और 2 मीटर के डिस्टेंस पर लग रहा था, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 4। चलो तो आपको पता है जब इसेंट्रिक लोड लगता है तो 6a1x1 अपॉन l1 की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले से, वो वैल्यू होती है WA अपॉन L ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए भी थे और स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले मैंने आपको बोला भी था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप फिंगर पे याद कर लीजिए और मैनुअली भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये कैसे आई है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखी है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता था हमारा ये होता था हमारा एम ए इंटू एल वन प्लस टू एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू इज़ इक्वल टू हमारा आता था 6a1x1 अपॉन l1 है ना, फिर प्लस 6a2x2 अपॉन l2 हम ये करते थे। तो इसकी वैल्यू हमने फॉर्मूले से ली है, तो 6a1x1 अपॉन l1 इस बीम के लिए क्या होगा, सेंट्रिक लोड है तो सेंट्रिक लोड के लिए होता था फॉर्मूला हमारा WA/L ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो W की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 80 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन एल, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और जब राइट साइड के लिए लोगे तो राइट साइड पे UDL है, तो UDL के लिए कितना होता था हमारा वो WL³/4, W हमारा हो गया 20 और L हो गया हमारा 5, ठीक है। और इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 22 MB प्लस 5 MC इक्वल टू माइनस 1478.33 इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम कर देंगे अप्लाई द थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर BC एंड CD। इसी तरह से हम थ्री मोमेंट थ्योरम को BC और CD के लिए भी अप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया हमारा D। तो देखो BC पर तो UDL है और CD पे जो है हमारा पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है 3 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, MB ये हमारी डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस भी हमारी 5 ही है टोटल मिलाकर। तो हम कर देंगे MB इंटू ये डिस्टेंस तो हो जाएगा 5 इंटू MB। फिर करेंगे हम 2MC ब्रैकेट L1 प्लस L2 तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस MD इंटू ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 5
तो हो जाएगा हमारा 5MD। ठीक है, तो इसमें भी हमने वो थ्री मोमेंट थ्योरम वाला जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई कर दिया, एम ए इंटू एल वन प्लस टू एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू। ठीक है, इक्वल टू हमारा होता था 6A1X1 अपॉन L1 प्लस 6A2X2 अपॉन L2। तो एक बार इसके लिए अप्लाई कर देंगे, एक बार इसके लिए अप्लाई कर देंगे, इसके लिए UDL वाला लग जाएगा और इसके लिए इसेंट्रिक पॉइंट लोड वाला लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इसेंट्रिक पॉइंट लोड वाला हमें राइट से लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट से होता है तो ये कहाँ से होता है, राइट से। अब राइट से इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, WB अपॉन L, L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसकी सारी वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो बन के आएगी 5MB प्लस 20MC इज इक्वल टू माइनस 1201, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वेट कर देंगे तो MB की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी हमारी माइनस 56.79 किलो न्यूटन मीटर, एंड MC हमारा निकल के आएगा माइनस 45.81 किलो न्यूटन मीटर। तो MB और MC की वैल्यू जब जैसे ही हमारे पास आ जाएगी तो सेकंड डायग्राम हमारा क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे म्यू डैश डायग्राम। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देंगे और इससे हमारा सिंपली एंड मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सिंपली मोमेंट डायग्राम को इस एंड मोमेंट डायग्राम पर सुपर इम्पोज कर देंगे। जैसे आप सुपर इम्पोज करोगे तो क्या होगा, कॉमन पार्ट हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और इस लाइन के ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और रिजल्टेंट जो बनेगा उसको हम बोल देंगे BMD। ठीक है, अब इसका शेयर फोर्स कैसे बनाए, तो शेयर फोर्स बनाने के लिए हमें इसके लिए रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं फाइंड द रिएक्शन ऑफ RA, RB, RC एंड RD। तो सबसे पहले हम RA की वैल्यू निकालते हैं, तो RA की वैल्यू निकालने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, ये हमारा A पॉइंट हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया, ऐसे ही हमारी बीम आगे कंटिन्यूसली जा रही है। ठीक है, और इस पर हमारा पॉइंट लोड जो लग रहा था उसको भी हम एक बार लगा देते हैं। हमारा यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा था 80 का लग रहा था और कितने डिस्टेंस लग रहा था, 2 डिस्टेंस पर, तो ये कितनी हो जाएगी बाकी की, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें RA की वैल्यू निकालनी है तो किसके अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा, B के अबाउट, टू फाइंड RA टेकिंग मोमेंट अबाउट B। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, RA इंटू ये डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा 6। फिर हम करेंगे माइनस 60 इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 4, इज इक्वल टू MB, और MB की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है कितनी है, माइनस 56.79, और इसको रिजोल्व कर देंगे तो हमारे पास RA निकल के आएगा 43.87। ठीक है, तो जैसे आपने RA निकाला वैसे ही हम निकालेंगे RB की वैल्यू। तो हम यहाँ बोलेंगे टू फाइंड RB, अगर आपको RB की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट C लेना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट हमें C लेना पड़ेगा। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ पर हमारा इसेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है और ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 5 है और इस पर हमारा UDL एक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे टू फाइंड RB, अगर आपको RB निकालना है तो टैकिंग मोमेंट अबाउट C के अबाउट हमने बेंडिंग मोमेंट ले लिया, तो C तक का हम लेंगे मोमेंट, है ना, लेफ्ट से चलते हैं अभी हम। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है RA इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5, क्योंकि ये पूरा 6 है और ये 5 है, तो 6 प्लस 5, तो हो गया हमारा RA इंटू 11। फिर हमारा सेकेंड जो लोडिंग आ रही है वो ये वाली आ रही है, ये 80 थी, 80 कितने डिस्टेंस पर लग रही है, 9 मीटर के डिस्टेंस पर, तो 80 इंटू 9। फिर हमारा आ रहा है ये वाला RB, और ये RB कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, 5 मीटर पर, तो RB इंटू 5। फिर ऊपर से हमारी ये लोडिंग भी तो आ रही है, ये लोडिंग कितनी आ रही है, 20, 20 कितने पर लग रही है, 5 मीटर पर, तो 20 इंटू 5 इंटू 5 का हाफ इज इक्वल टू MC, और MC की वैल्यू हमारे पास है माइनस 45.81। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास RB की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आएगी, RB इक्वल टू
88.324। तो हमने आर ए निकाला टैकिंग मोमेंट अबाउट बी करके, आर बी निकाला टैकिंग मोमेंट अबाउट सी करके। अब हम निकालते हैं आर डी, आर डी निकालते हैं टैकिंग मोमेंट अबाउट सी करके, है ना। तो टू फाइंड आर डी टैकिंग मोमेंट अबाउट सी, हमें ये आर डी निकालना है, और इस आर डी को निकालने के लिए हमने इस सी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट हमने ले लिया, है ना। जब ये हो गया 60 और ये हमारा कितना था 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। तो आर डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, इस सी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले लिया। तो जैसे ही सी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लोगे तो क्या होगा हमारा, आर डी इंटू ये डिस्टेंस जो कि हो गई 5, फिर हमारा आ गया 60 इंटू ये डिस्टेंस हो गया 60 इंटू 2 इज इक्वल टू एम सी। अब एम सी की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं है, एम सी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको हम पुटअप कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आर डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने आर ए, आर बी और आर डी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये जो डायग्राम था हमारा उसमें आर ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी, इसमें हमने क्या करा, आर ए निकाल लिया, आर बी निकाल लिया, आर डी निकाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या बच रहा है, आर सी बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू जो भी ऊपर से लोडिंग आ रही है उसको हमने एड ऑन कर लिया। आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू टोटल लोडिंग जो कि हमारी हो गई 240। और टोटल लोडिंग में से जैसे ही हम आर ए, आर बी और आर डी को माइनस करेंगे तो हमारा आर सी निकल के आ जाएगा, और जैसे ही हमारा आर सी निकल के आएगा उससे फिर हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो आर ए, आर बी, आर सी, आर डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इससे हम शेयर फोर्स डायग्राम बना लेंगे। अब कैसे बनाओगे, एक बार फिर देखो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारी बीम थी ए बी सी एंड डी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा लोड लग रहा था, ठीक है, और यहाँ पर हमारा यूडीएल लग रहा था, और यहाँ पर हमारा पॉइंट लोड लग रहा था, ठीक है। ये वाला पॉइंट लोड जो था हमारा वो 80 का था, और ये वाला जो पॉइंट लोड था वो हमारा 60 का था, ठीक है, और ये जो यूडीएल था हमारा वो 20 का था, ठीक है। अब देखिए, आपको निकालना है शेयर फोर्स एट ए, आपको ए पॉइंट का शेयर फोर्स निकालना है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए पॉइंट का शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर कितनी रिएक्शन आ रही है, तो इस पॉइंट की रिएक्शन हमारी हो गई 43.83 जो हमने निकाला था अभी रिएक्शन फोर्स, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, और राइट टू लेफ्ट हम इसका अपोजिट ले लेते हैं। अभी हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। शेयर फोर्स 8A, तो A पर जो शेयर फोर्स आ रहा था हमारा 43.83, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स 8E, शेयर फोर्स 8A, इसको हम E बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर हम शेयर फोर्स 8E निकालें, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम शेयर फोर्स को फाइंड आउट करें, तो क्या होगा, जो भी रिएक्शन फोर्स आया उसमें से इस पॉइंट लोड को माइनस कर दो, तो शेयर फोर्स 8E हमारा हो गया -36.13। इसी तरह से अब हम निकालते हैं शेयर फोर्स 8B, तो शेयर फोर्स 8B क्या हो जाएगा, यहाँ तक जो भी हमने शेयर फोर्स निकाला है उसके अंदर B पर जो भी रिएक्शन फोर्स आ रहा है उसको एड ऑन कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स 8B। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम निकालेंगे शेयर फोर्स 8C। तो जब आप सी पॉइंट के लिए शेयर फोर्स निकालोगे, तो देखो, जब मैंने आपको बताया था जब भी पॉइंट लोड पर यूडीएल एड कंप्लीट होता है, मतलब किसी पॉइंट पर दो लोड आते हैं, एक यूडीएल एक पॉइंट लोड, तो पहले हम निकालते हैं उस पॉइंट के लिए लेफ्ट ऑफ सेक्शन वाला शेयर फोर्स, फिर हम निकालते हैं राइट ऑफ सेक्शन वाला शेयर फोर्स। लेफ्ट ऑफ सेक्शन के अंदर हम यूडीएल को ऐड कर देते हैं, और राइट ऑफ सेक्शन के अंदर जो यूडीएल वाला शेयर फोर्स आता है उसमें पॉइंट लोड को ऐड कर देते हैं। तो शेयर फोर्स 8C लेफ्ट ऑफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, जो बी तक का अभी हमने शेयर फोर्स निकाला था उसमें हम इस यूडीएल को ऐड कर देंगे, ठीक है।
और शेयर फोर्स एट सी राइट ऑफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट ऑफ सेक्शन का जो शेयर फोर्स आया था सी पॉइंट तक, उसमें हम इस रिएक्शन को एड ऑन कर देंगे। एक बार फिर सुन लो, सी पॉइंट पर दो शेयर फोर्स निकलेंगे, एक लेफ्ट ऑफ सेक्शन एक राइट ऑफ सेक्शन। लेफ्ट ऑफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, यूडीएल तक का शेयर फोर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बी तक का तो आप निकाल ही चुके, इसमें आप यूडीएल का ऐड और कर देना, ठीक है। और राइट ऑफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, तो जो सी पॉइंट तक का आपने शेयर फोर्स निकाल लिया यूडीएल तक, उसमें आप इस रिएक्शन फोर्स को ऐड कर दोगे, तो शेयर फोर्स एट सी राइट ऑफ सेक्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पर शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट ऑफ सेक्शन में हमने क्या करा, जो बी तक का शेयर फोर्स था उसमें हमने यूडीएल को ऐड कर दिया, तो ये हो गया शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट ऑफ सेक्शन। और राइट ऑफ सेक्शन में हमने क्या करा, जो सी का शेयर फोर्स आया था लेफ्ट ऑफ सेक्शन के लिए, उसमें रिएक्शन फोर्स को हमने एड ऑन कर दिया, ठीक है। ऐसे लास्ट पॉइंट के लिए निकाल देंगे शेयर फोर्स एट जी। अब ये जी पॉइंट हमने कौन सा लिया है, ये जी पॉइंट जो हमने लिया है मैं आपको बता देता हूँ, हमने जी पॉइंट जो लिया है वो ये वाला लिया है, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट पर भी शेयर फोर्स निकाल दें। कैसे निकालोगे, सी तक आपने निकाल दिया, इसमें सिर्फ आपको 60 को एड ऑन करना है, तो जी पॉइंट का शेयर फोर्स हमारा बन के रेडी हो जाएगा। आपने एवरी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो जैसे ही आप एवरी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, देन उसका ये डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ए पॉइंट पर शेयर फोर्स जो आया था वो कितना आया था, 43, तो ये हो गया हमारा 43, ठीक है। और उसके बाद ई पॉइंट पर जो शेयर फोर्स आया था वो हमारा कितना आया था, ई पॉइंट पर जो, अच्छा 43 आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है ई पॉइंट तक, और ई पॉइंट पर जो लोडिंग आई थी हमारी एकदम से, तो उस वजह से हमारा जो शेयर फोर्स हो गया था -36, तो ये -36 हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं थी, ठीक है। फिर हमने बी पॉइंट पर शेयर फोर्स निकाला, तो बी पॉइंट पर शेयर फोर्स हमारा जो आया था 32 समथिंग, तो ये बी पॉइंट पर शेयर फोर्स हो गया फिर से 32 पॉइंट समथिंग। फिर सी पॉइंट पर, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट पर जो हमने शेयर फोर्स निकाला था लेफ्ट ऑफ सेक्शन, वो हमारा आया था 47। यूडीएल है तो ट्रायंगल की फॉर्म में जाएगा, ये तो आपको पता ही है ना, शेयर फोर्स जब डायग्राम बनाते हैं तो पॉइंट लोड के लिए रेक्टेंगल फॉर्म बनता है और यूडीएल के लिए ट्रायंगल फॉर्म बनता है। तो बीसी के अंदर सी पॉइंट पर जो शेयर फोर्स है वो कितना है लेफ्ट ऑफ सेक्शन के लिए, 47, तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में चला जाएगा 47। और उसी सी पॉइंट पर राइट ऑफ सेक्शन पर कितना आ रहा है, 45, तो ये 45 ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ डी पॉइंट था और इनके बीच में हमने एक जी पॉइंट भी लिया था। अब शेयर फोर्स एट जी की अगर हम बात करें, तो शेयर फोर्स एट जी जो हमारा आया था वो आया था, देखो यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, ठीक है, और जी पॉइंट पर शेयर फोर्स आया था हमारा -14, तो ये -14 हो जाएगा, और इधर कोई लोडिंग नहीं है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, शेयर फोर्स जब डायग्राम बनाते हो तब पॉइंट लोड के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है, वो यूडीएल के लिए इंक्लाइंड फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो जैसे भी आपकी जो वैल्यू आएगी उससे आप जो डायग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो आपको समझ आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास शेयर फोर्स की जो वैल्यू आई उससे हमने ये शेयर फोर्स डायग्राम को क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।